बीते कुछ सालों में केंद्र समेत राज्य सरकारों ने कृषि व किसानों पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है, जिसका असर अब दिखाई भी देने लगा है। खेती किसानी को लेकर देश की बदली योजना के चलते इस बार यानी वर्ष 2021-22 के अंदर देश में रिकॉर्ड 306 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान है। यह अनुमान भारत सरकार ने जताया है। इसको लेकर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री ने बीते दिन अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी पोस्ट किया। 7 सालों में धान पर MSP 42% बढ़ी है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय की तरफ से अपने अधिकृत ट्वीट हैंडल पर साझा किए गए जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार समय समय पर किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP बढ़ाने के लिए काम कर रही है। वहीं केंद्र सरकार ने दावा किया है कि 2014-15 की तुलना में मौजूदा वर्ष यानी बीते 7 सालों में धान पर MSP 42% बढ़ी है। इसी तरह इन बीते 7 सालों में गेहूं पर 39% MSP बढ़ गई है। फसलों की MSP को लेकर गारंटी कानून बनाए जाने को लेकर बीते वर्ष से किसान लाभबंद हुए हैं, जिसके तहत किसान संगठनों ने MSP गारंटी किसान मोर्चे का गठन भी किया है। वहीं इस बीच केंद्र सरकार ने MSP पर गेहूं व धान की खरीद में बढ़ोतरी के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मंत्रालय की तरफ से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 6 मार्च 2022 तक कुल 1.02 करोड़ किसानों ने MSP पर अपना धान सरकारी सेंटरों को बेचा है। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि इसके लिए किसानों को MSP के तौर पर 1.42 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि बीते 8 साल में देश के अंदर MSP पर गेहूं की खरीद में भी बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय की तरफ से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 2013-14 के दौरान देश के अंदर MSP पर गेहूं की खरीद तकरीबन 250 मिलियन टन थी। वहीं रबी सीजन 2021-22 के दौरान देश में 433 मिलियन टन से अधिक गेहूं MSP पर खरीदा गया है। मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार आत्मनिर्भर कृषि की तरफ कदम बढ़ाते हुए कृषि व किसानों के हित में कई योजनाएं लागू कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।